हेलो, ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जिसमें कोई ना कोई बुराई ना हो, लेकिन अगर इंडिया में आपको एक प्रोग्रेसिव लिबरल रिफॉर्मिस्ट एक्टिविस्ट बनना है, जिसको कि लिट फेस्टिवल्स में बुलाया जाता है, टीवी डिबेट्स में बुलाया जाता है, जिसको अवार्ड्स मिलते हैं, जो बुक्स लिखता है, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है, अगर आपको वो बनना है तो आपको 3 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें से पहला यह है कि इस्लाम के बारे में आपको बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं बोलना है, भले ही कितना जेन्युइन रीजन क्यों ना हो। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम बात कर सकते हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज हुआ, या फिर 4 शादियां हुई, ट्रिपल तलाक हुआ, सेक्स स्लेवरी हुआ, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हुआ, लेकिन इन सब चीजों पर आपको बिल्कुल चुप्पी साध के रखनी है। दूसरा रूल ये है कि किसी और को भी नहीं बोलने देना है। आपने एक इस तरह का पॉप कल्चर क्रिएट कर देना है कि अगर कोई इस इन सब में से किसी टॉपिक पे बात करना चाहे तो आप तुरंत उसको रिग्रेसिव और इस्लामोफोब और कम्युनल पता नहीं क्या क्या करार दे दो। और तीसरी चीज है कि आपको हिंदुइज्म को जमकर क्रिटिसाइज करना है, उससे नफरत करनी है, चाहे पॉइंट जेन्युइन हो या ना हो। तो हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करने में इन लोगों का फेवरेट टॉपिक है रामायण। रामायण में आते हैं राम। राम को ये लोग एक इनसिक्योर, अ मैन ऑफ लो कैरेक्टर वैल्यू, अ माइजोजिनिस्टिक मैन, इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, जिसने अपनी वाइफ की अग्नि परीक्षा ली और उनको वापस जंगल में भेज दिया। तो इस वीडियो में बात करूंगा मैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स की, कुछ आपके सामने प्रूफ रखूंगा जिससे आपको भी यकीन होगा कि ये दोनों चीजें दरअसल इतिहास में हुई ही नहीं थी। ये कहानी आपने भी सुनी होगी कि रावण का वध करने के बाद जब श्रीराम वापस अयोध्या आते हैं, अपनी राजगद्दी संभालते हैं, तो कुछ दिनों बाद एक धोबी जो है वो माता सीता के कैरेक्टर पर संदेह करता है श्रीराम के सामने ही, और उसके बाद श्रीराम माता सीता को दोबारा जंगल में भेज देते हैं हमेशा के लिए। ये वाली जो स्टोरी है ये एक्चुअल में हुई ही नहीं। तो होता ये है कि जो आजकल हम रामायण पढ़ते हैं या जिसको हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं, उसमें टोटल 7 बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जिसको हिंदी में कांड कहा जाता है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर्स या 2 बड़े कांड हैं वो है 6th और 7th। 6th चैप्टर या फिर कांड को कहा जाता है युद्ध कांड, और 7th को कहा जाता है उत्तर कांड। तो रामायण की जो ज्यादातर कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, उसमें से एक ये भी है कि एक धोबी के कहने पर श्रीराम ने माता सीता को दोबारा जंगल में भेज दिया था, इनका डिस्क्रिप्शन 7th चैप्टर या फिर उत्तर कांड में आता है। जबकि ज्यादातर लोग जो कि रामायण की हिस्ट्री जानते हैं या जिन्होंने सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ा है, वो ये मानते हैं कि ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण चैप्टर 6th यानी कि युद्ध कांड पर ही खत्म हो जाती है। जो उत्तर कांड है वो कई हजारों सालों बाद जाकर किसी और ने लिखा है, वो ओरिजिनल रामायण का पार्ट नहीं है। तो इस इशू पर मैं आपके सामने कुछ प्रूफ रखता हूं। प्रूफ नंबर 1, हिंदुइज्म के जितने भी फेमस महाकाव्य हुए हैं या कहानियां हैं या आरती वगैरह हैं, उनके आखिरी में कुछ पंक्तियां स्पेशली लिखी जाती हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि अगर आप ये महाकाव्य पढ़ेंगे या ये आरती गाएंगे या ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको उससे क्या क्या फायदे मिलेंगे। इन पंक्तियों को फलश्रुति कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूं। जब आप ओम जय जगदीश हरे गाते हैं, उसके आखिरी में जो आखिरी की लाइन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। तो ये वाली जो लाइन है इसको फलश्रुति कहा जाता है। आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़ लें, हनुमान चालीसा के आखिरी की जो पंक्तियां होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, इस तरह से कि उनको सिद्धि मिलेगी। तो ये वाली जो लाइनें होती हैं जो आपको बताती हैं कि इस आरती या कहानी या महाकाव्य को पढ़ने से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे जीवन में, उनको फलश्रुति कहा जाता है। तो जो रामायण की फलश्रुति है वो श्री वाल्मीकि जी ने चैप्टर 6 यानी कि युद्ध कांड के बाद ही लिख दी थी। जो युद्ध कांड का सर्ग 128 है, श्लोक नंबर 106, 108, 112, 116, उसमें रामायण की फलश्रुति लिखी गई है। इससे ये सबूत मिलता है कि वाल्मीकि जी के हिसाब से युद्ध कांड के बाद ही चैप्टर रामायण जो है वो खत्म हो गई थी, उनको इसके बाद लिखने का कोई प्लान नहीं था, अदरवाइज वो फलश्रुति नहीं लिखते युद्ध कांड के बाद। तो युद्ध कांड के बाद जो आता है उत्तर कांड, वो किसी और ने लिखा है, बहुत बाद में जाकर लिखा है, इसलिए उत्तर कांड को प्रक्षिप्त कहा जाता है। प्रक्षिप्त का मतलब है बाद में जोड़ा गया। प्रूफ नंबर 2, हनुमान जी को जब रावण के दरबार में लाया जाता है और रावण उनसे बात कर रहा होता है, तो रावण जो है वो कहता है कि हनुमान जी को मार दो। तब विभीषण खड़े होते हैं और कहते हैं कि महाराज ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई इतिहास में प्रेसिडेंस नहीं है, ऐसा होने का पहले कोई एग्जाम्पल नहीं है कि किसी दूत को मारा गया हो। इसका वर्णन जो है वो सुंदर कांड में सर्ग 52 और श्लोक नंबर 15 में इसका डिस्क्रिप्शन है। और
इसके बाद जो है रावण जो है विभीषण की बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है इनको मारने की जरूरत नहीं है, पूंछ में आग लगा के छोड़ दो। और जब आप उसके बाद जाते हैं उत्तरकांड में, उत्तरकांड में आप ये देखते हैं कि उत्तरकांड का जो सर्ग 13 है उसमें यह बताया गया है कि रावण ने इतिहास में पहले कुबेर के मैसेंजर को मारा था, कुबेर के दूत को मारा था। तो अगर रावण ने वाकई ऐसा कहा होता तो सुंदरकांड में विभीषण ये कैसे कहते कि हनुमान जी जो दूत बनकर आए हैं इनको ना मारिए, क्योंकि ऐसा ऐसा जो है पहले कभी नहीं किया गया है। तो ये दूसरा प्रूफ है इस बात का कि उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया है, उत्तरकांड एक प्रक्षिप्त है। तीसरी चीज है युद्ध कांड में वाल्मीकि जी साफ साफ लिखते हैं सर्ग 128 श्लोक नंबर 100 में कि राम राज्य जो होता है उसमें किसी भी व्यक्ति की प्रीमेच्योर डेथ नहीं होती है, किसी भी बूढ़े व्यक्ति को अपने बच्चों का दाह संस्कार नहीं करना पड़ता है, सब अपनी आयु पूरी करते हैं। लेकिन वहीं आप जब जाते हैं उत्तरकांड में जो आखिरी वाला है उसके 73 से लेके 76 सर्ग में एक डिस्क्रिप्शन है कि एक ब्राह्मण के बेटे की मौत हो जाती है, उस बेटे की डेड बॉडी लेके ब्राह्मण जाता है श्री राम के पास, बोलता है कि इसका इसकी जो डेथ हुई है वो किसी शूद्र के तांत्रिक विद्या की वजह से हुई है। ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जहां पर युद्ध कांड में साफ साफ कहा जा रहा है कि श्री राम के राज्यकाल में किसी की प्रीमेच्योर डेथ नहीं होती है, वहीं उत्तरकांड में बताया जाता है कि एक बच्चे की डेथ होती है। तो ये तीसरा प्रूफ है कि उत्तरकांड को जो है बाद में जोड़ा गया है वो वाल्मीकि रामायण का पार्ट नहीं है। चौथा प्रूफ, महाभारत जो है वो रामायण के करीब 3,000 साल बाद लिखी गई है। रामायण महाभारत में जो है एक चैप्टर है वन पर्व नाम का, उसके सेक्शन 272 से लेके 289 में मार्कंडेय ऋषि जो है वो युधिष्ठिर को पूरी रामायण पढ़कर सुनाते हैं, और उनका जो रामायण का डिस्क्रिप्शन होता है वो भी सिर्फ युद्ध कांड तक होता है, उत्तरकांड के बारे में महाभारत में भी नहीं बताया गया है। ये एक चौथा प्रूफ है कि उत्तरकांड ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण का पार्ट नहीं है, इसको बाद में जोड़ा गया है, ये एक प्रक्षिप्त है। पांचवा प्रूफ ये है कि जो जो रामायण का जो मेन फ्लो है या जो उसका प्रिंसिपल है वो शुरू से लेकर चैप्टर 6 यानी युद्ध कांड तक सेम है। यहाँ पर महिलाओं का सम्मान करना सिखाया गया है, महिलाओं के लिए लिबरलिज्म वाली बातें आती हैं, जैसे जो कौशल्या माता थी वो वेद का पाठ किया करती थी, जो कैकेयी थी वो राजा दशरथ के साथ युद्ध में जाती थी। आप सोचिए सीता के बारे में बताया गया कि वो पढ़ी पढ़ी पढ़ती थी, वो उन्होंने अपना पति स्वयं चुना स्वयंवर से, किसी और ने उनके लिए डिसाइड नहीं किया। वहीं पर सडनली जो है चैप्टर 7 यानी उत्तरकांड में जो है महिलाओं के ऊपर संदेह करने वाली बातें उसमें अचानक से आ जाती हैं, जो कि मूल भाव से टोटली अलग है। तो ये पांचवा प्रूफ है कि उत्तरकांड को जो है बाद में जोड़ा गया है वो एक प्रक्षिप्त है। और छठा प्रूफ आप देखिए कि वो भगवान श्री राम जो कि केवट हुए, निषाद राज हुए, शबरी हुए, उनके साथ जो है नॉर्मल व्यवहार करते हैं, जो जटायु को अपना पिता कहते हैं, जो वानर सेना के सुग्रीव और हनुमान को भाई कहते हैं, उनको जो है दिखाया गया है चैप्टर 7 उत्तरकांड में कि वो सिर्फ एक ब्राह्मण के बेटे की मौत से इतना क्षुब्ध हो जाते हैं कि वो उसका जिम्मेवार मानते हैं एक शूद्र को जो कि तांत्रिक विद्या करके जीवित पहुंचना चाहता था स्वर्ग में, जिसका इस बच्चे की मौत से कोई रिलेशन नहीं होता है। वो भगवान श्री राम अपने रथ में आते हैं, क्रोधित होकर बिना ही शूद्र से कोई बात की उसका गला काट देते हैं, उसके बाद देवता प्रकट होते हैं और श्री राम की जय जयकार करते हैं। श्री राम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ये जो कहानियां हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं या जो जिन पे आप यकीन नहीं करेंगे वो सब उत्तरकांड का पार्ट है। तो ये था छठा प्रूफ। सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ ये है कि सबसे पुरानी रामायण जो अवेलेबल है, जिसका मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल है, वो 6th सेंचुरी की है, जो कि रामायण एक्चुअली जब वाल्मीकि जी ने लिखी थी उसके उसके हजारों सालों के बाद की है। और ये जो 6th सेंचुरी BC की रामायण है जो 2015 में कोलकाता में मिली थी उसमें उत्तरकांड का जिक्र ही नहीं है। ये वाली जो रामायण है ये भी युद्धकांड पे ही खत्म होती है। तो ये सारे जो प्रूफ हैं ये आपको बताते हैं कि उत्तरकांड जो है वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं है, वो बाद में लोगों ने अपनी इमेजिनेशन पे कहानियां सुन सुन के किसी और ने बाद में ऐड किया है। जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण है उसमें इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट है कि किसी धोबी के कहने पर भगवान श्री राम ने सीता जी के कैरेक्टर पे संदेह किया और उनको दोबारा जंगल में भेज दिया, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ। अगली कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा का डिस्क्रिप्शन युद्ध कांड में ही है, इसलिए उसको डिनाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि युद्ध कांड जो है वो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण का पार्ट है और युद्ध कांड में ही अग्नि परीक्षा का वर्णन है। लेकिन फिर भी मैं इसे डिनाई करूंगा, उसके रीजंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये कि जो लोग अग्नि परीक्षा को मानते हैं
वो इसको किस तरीके से डिफेंड करते हैं। पहला तरीका, बड़े सारे लोग ये मानते हैं कि भगवान श्री राम, क्योंकि वो भगवान थे, उनको पहले ही पता चल गया था कि माता सीता का अपहरण होने वाला है, तो इसलिए उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया और जो ओरिजिनल माता सीता थी उनको उन्होंने अग्निदेव को सौंप दिया और बदले में एक मायावी सीता, जिनको माया सीता कहा जाता है, वो उनसे ले ली। इन्हीं माया सीता का अपहरण रावण ने किया था, इन्हीं माया सीता की खोज में वो लंका तक गए थे, लड़ाई की, रावण को मारा, फाइनली इन्हीं माया सीता को वो आजाद कराते हैं और अग्नि परीक्षा के माध्यम से इस माया सीता को वो वापस अग्निदेव को दे देते हैं और अग्निदेव जो ओरिजिनल सीता होती है उनको लाकर वापस राम को दे देते हैं। ये कहानी सच नहीं है, क्योंकि ये वाली जो कहानी है ये रामचरितमानस में लिखी गई है, जो कि तुलसीदास ने लिखी है। ज़्यादातर लोग जो रामायण पढ़ते हैं वो रामचरितमानस से ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो संस्कृत में नहीं है, अवधि में है, थोड़ा थोड़ा हिंदी से मैच करता है, इसलिए इंटरेस्टिंग लगती है। जो कि ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण है जो कि संस्कृत में है, उसमें इस तरह की कोई कहानी नहीं है, कोई माया सीता का जिक्र नहीं है। दूसरा तरीका जिससे लोग अग्नि परीक्षा को डिफेंड करते हैं वो ये कि भगवान श्री राम जो है वो अपनी प्रजा के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे, ताकि कोई लोग सवाल ना खड़े करें माता सीता के ऊपर कि भाई इतने टाइम तक रावण के पास रहकर आई हैं कि क्या सबूत है कि वो प्योर है, इसलिए उन्होंने अग्नि परीक्षा कराई। अगर ऐसा करना होता तो श्री राम ये अग्नि परीक्षा अयोध्या में कराते, ना कि लंका में। लंका में तो कोई अयोध्यावासी था ही नहीं, खुद श्री राम और लक्ष्मण को छोड़ के, वहां पर तो सिर्फ लंका के लोग थे और सुग्रीव की सेना थी। तो अब अगर आप थोड़ा सा पहले जाएंगे इसमें, जब भगवान श्री राम बाली को मारते हैं, बाली को मारने के बाद वो बाली के पास से सुग्रीव की पत्नी को छुड़ाते हैं, सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती बाली ने अपने पास रखा हुआ था, और सुग्रीव की पत्नी को छुड़ाते हैं और सुग्रीव से आह्वान करते हैं कि अपनी पत्नी को स्वीकार करें। तो इस तरह का एग्जाम्पल जो है वो भगवान श्री राम ने खुद सेट किया होता है सुग्रीव की सेना के सामने, और उसी सुग्रीव की सेना के सामने, उसी सुग्रीव के सामने भगवान श्री राम ऑपोजिट एग्जाम्पल कैसे सेट कर सकते हैं कि वो अपनी पत्नी को बोले कि नहीं आप मुझे प्योरिटी का प्रूफ दे, ये पॉसिबल नहीं लगता, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो इस तरह की बात नहीं कर सकते। तीसरी कहानी जो है वो कुछ इस तरीके से है कि जब भगवान श्री राम जो है मारीच के पीछे पीछे चले गए थे उसको मारने, और मारीच ने फिर जब आवाज़ बदल के चिल्लाया था कि लक्ष्मण मैं मरा मुझे बचाओ, तो सीता माता ने लक्ष्मण को कहा था कि जाके अपने भैया को बचाओ, बट लक्ष्मण जी ने मना किया था क्योंकि भगवान श्री राम उनसे कहकर गए थे कि मेरे पीछे पीछे नहीं आना। तो सीता माता बहुत रिक्वेस्ट करती हैं पर लक्ष्मण नहीं मानते, तो सीता माता उनको टॉन्ट मार देती हैं, ये बोलती हैं कि शायद तुम्हारी बुरी नज़र मुझ पे है, तुम चाहते हो तुम्हारे भैया मर जाए और इस वजह से तुम नहीं जा रहे हो। तो लक्ष्मण जी को ये बात बहुत बुरी लगती है, चले जाते हैं वो। तो क्योंकि भगवान श्री राम जो है वो भगवान है, उन्हें बात पता थी, तो वो माता सीता को ये एहसास कराना चाहते थे कि दूसरे के कैरेक्टर पर उंगली उठाना कैसा लगता है, इसलिए उन्होंने ये चीज़ जो है अग्नि परीक्षा करवाई। तो अगर भगवान श्री राम को ऐसा करना होता, पहली बात तो ये कहानी प्रैक्टिकल नहीं लगती है, क्योंकि भगवान श्री राम भी जानते हैं, माता सीता भी जानती हैं कि लक्ष्मण भी ये बात जानते हैं कि माता सीता ने ये बात जेन्युइनली नहीं कही है, ये बात मजबूरी में कही, डेस्परेशन में कही, ताकि लक्ष्मण जाए, उनका सच में ऐसा कहने का मकसद नहीं था। फिर भी अगर भगवान श्री राम को कुछ एहसास कराना होता तो वो ये अग्नि परीक्षा की बात प्राइवेट में करते, लोगों के सामने नहीं करते, पूरी लंका के सामने, पूरी वानर सेना के सामने वो माता सीता से ये कहते हैं कि तुमको मैं स्वीकार नहीं करूँगा, तुम चाहो तो विभीषण के साथ रह लो, सुग्रीव की पत्नी बन जाओ, लक्ष्मण की पत्नी बन जाओ, भरत के साथ रह लो, शत्रुघ्न के साथ रह लो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करने वाला। सारे देवता आ जाते हैं श्री राम से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ऐसा ना करो, बट वो नहीं मानते। क्या कोई पति इस हद तक जा सकता है सिर्फ अपनी पत्नी को एक छोटी सी शिक्षा देने के लिए? नहीं जा सकता। तो मुझे ये तीनों ही जो जस्टिफिकेशन है वो करेक्ट नहीं लगते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अग्नि परीक्षा की जो कहानी है वो करेक्ट नहीं है। तो ये गलत क्यों हो सकती है? रामायण जो है वो 7000 BC में लिखी गई थी, हजारों साल पहले। उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, लोग वाल्मीकि जी ने जो है ये पत्तों के ऊपर लिखी थी, और पत्तों की तो शेल्फ लाइफ होती है, तो थोड़े दिनों बाद जो है वो ख़राब हो गया, तो किसी और ने लिखी, किसी और ने किसी और को कहानी सुनाई, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, रामायण की कहानी सुनाते थे अलग अलग भाषाओं में, इंडोनेशिया तक रामायण लिखी गई है, और ऐसा होने की बहुत भारी संभावना है कि किसी और ने इन सब चीज़ों को बाद में ऐड किया हो, ये ओरिजिनल रामायण का पार्ट नहीं हो। देखिए, अगर आप कंटिन्यूटी देखें तो चैप्टर 115 का जो 14th श्लोक है उसमें प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैंने माता सीता को बड़ी मुश्किलों से वापस पाया है, बड़ा ही इमोशनल होकर ये बात कहते हैं वो। ये है चैप्टर 115 का 14th श्लोक, और ये कहते ही वो सडनली यू टर्न ले लेते हैं अगले श्लोक में, बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं वापस लूंगा, मेरे को तो पहले अग्नि परीक्षा कराऊंगा मैं।
और ये कहने के बाद वो बड़ी डेरोगेटरी बातें भी करते हैं कि तुम सुग्रीव के साथ रहे शादी कर लो, तुम विभीषण के साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें वापस नहीं अपनाऊंगा। उसके बाद माता सीता जो है श्रीराम को टॉन्ट मारती है, लक्ष्मण से कहती है तुम अग्नि तैयार करो मैं चलूंगी उसमें, श्रीराम नहीं रोकते उनको। उसके बाद सारे देवता प्रकट हो जाते हैं, सब आकर स्तुति करते हैं प्रभु श्रीराम की कि आप ऐसा मत करें मत करें मत करें, सब लोग रिक्वेस्ट करते पर वो नहीं मानते। अग्नि परीक्षा होती है, सीता माता चली जाती हैं फायर में, फिर अग्निदेव वापस लेकर आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु ऐसा मत करिए, स्वीकारें इनको वापस। फिर वो स्वीकार कर लेते हैं और फिर फाइनली 118वां जो चैप्टर है, 118 चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है उसमें लिखा है, ये कहते हुए प्रभु श्री राम बड़ी खुशी से माता सीता से मिले। तो मुझे, मेरे अलावा से बहुत सारे लोगों को लगता है कि 115वें चैप्टर का जो 14वां श्लोक है जिसमें ये कहा है कि मैं बड़ी मुश्किलों से मैंने सीता को वापस पाया है, और उसके बाद 118वें का जो लास्ट श्लोक है, ये कहते हुए प्रभु श्री राम माता सीता से बड़ी खुशी से मिले, ये कंटिन्यूटी है। इसके बीच की ये जो पूरी कहानी है ये बिल्कुल रामायण के मूल भाव से मैच ही नहीं करती है। ये ज़रूर बाद में जो है किसी और ने ऐड की है और इसके होने की संभावना है, क्योंकि इतने हजारों सालों में रामायण पता नहीं कितनी बार लिखी गई है, कितनी बार डिस्ट्रॉय हुई है, कितने सारे लोगों ने अलग अलग भाषा में लिखी है, तो ऐसा होने की बहुत भारी संभावना है कि ये ओरिजिनली ऐसा ना हुआ हो, क्योंकि नहीं कर सकते श्री राम ऐसे। आप याद करो वो लेडीज़ को किस तरह से ट्रीट करते आए हैं इस पूरे रामायण में, स्त्री के प्रति उनका किस तरह का वो रहा है। क्या वो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि किसी महिला की प्योरिटी अगर आपको चेक करनी हो तो आपको उसको अग्नि में से चलाना पड़े? भगवान श्री राम ये अच्छी तरह से जानते थे कि उनका जीवन जो है उसको लोग एज एग्जाम्पल देखेंगे अगले आने वाले हजारों करोड़ों साल तक भी, तो क्या वो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में किसी को भी अपनी पत्नी पर डाउट हो तो आप उनको बोलो कि चलो आप अग्नि पर चलकर दिखाओ? वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो है इतने सालों के बीच में कहीं ना कहीं से ये चीज़ गलत तरीके से ऐड हुई है। और एक और बात मुझे समझ में नहीं आती है कि जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले कुछ ऐसे हार्ड लाइनर्स हैं जो इस बात पर अड़ जाएंगे कि नहीं नहीं अग्नि परीक्षा हुई है, मुझे समझ में नहीं आता कि ये कोई ऐसी प्राउड फीलिंग वाली तो बात नहीं है कि जिसके लिए आप अड़ जाए जस्टिफाई करेंगे नहीं नहीं ये हुआ है हुआ है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। भगवान श्री राम ऐसा नहीं कर सकते, तो मुझे ये बात गलत लगती है। और सबसे आखिरी चीज़, ये सब जो मैंने बातें बताई हैं सुन के आप में से बहुत सारे लोगों को हैरानी हुई होगी कि ये सब बातें हमें कैसे नहीं पता है। उसका रीज़न ये है कि हम में से ज़्यादातर 90% ज़्यादा लोगों की रामायण की जानकारी जो है वो रामानंद सागर के सीरियल पर बेस्ड है, या हमने उन लोगों से सुनी है जिन्होंने सीरियल देखे हैं। तो इस सीरियल जो है वो रामायण पर भी बेस्ड है और रामचरितमानस पर भी बेस्ड है, इन्होंने उत्तरकांड को भी जो है रामायण का ही पार्ट माना है, और या फिर हमारी जानकारी बेस्ड है कुछ रामायण की कंसाइज टेक्स्ट बुक्स के ऊपर जो हमने इधर उधर से पढ़ी है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने रामायण में डिटेल पर रिसर्च की है या संस्कृत के श्लोक पढ़े हैं या उनकी जानकारी पाने की कोशिश की है। मैंने भी बहुत डिटेल में रामायण नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि जो भी मैंने बातें कही हैं वो मैं बड़े सारे सोर्सेज से चेक किया मैंने और बड़े विद्वानों से भी बात की है। सो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, अग्नि परीक्षा और माता सीता को वापस जंगल में भेजना, ये दोनों चीज़ें नहीं हुई हैं, ये बाद में जोड़ी गई हैं, ये ओरिजिनल रामायण का पार्ट नहीं है। बाकी जो है मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहता, आपके सद्बुद्धि पर है, आपके विवेक पर है। अगर आप मेरी बातों पर आप एग्री नहीं करते तो कोई बात नहीं।